खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं कश्मीर दिनभर। कश्मीर में एक बार फिर से इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। दरअसल अफजल गुरु की बरसी पर अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने बंद बुलाया था। इसको लेकर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अगले 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि 9 फरवरी 2013 को आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। अफजल गुरु संसद हमले का दोषी था। और उसकी बरसी को ध्यान में रखते हुए 2G सेवाएं जो बहाल की गई थी बीते महीने, उनको रोक दिया गया है। 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर के बाबापोरा में विद्युत विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी कड़ी में हबकदल के मकामी बाशिंदों ने PDD के खिलाफ एहतजाज किया है। इस दौरान एहतजाजियों का कहना है कि हम 3 हफ्तों से बिना बिजली के रह रहे हैं। हमने मामले की जानकारी चीफ इंजीनियर को भी दी, मगर नतीजा 0 ही रहा। हमारा जो ट्रांसफार्म है 630 किलोवाट का है, ठीक है, तो ये रोज रोज खराब हो रहा है और आप यहाँ पर खराब होके यहाँ पर है और हमें 6 दिन से कोई पावर नहीं है। घरों में बीमार है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए परेशानियां हो रही है। वहीं पुलवामा हमले में शहीद हुए नशीर अहमद की पत्नी आजकल कोर्ट की चक्कर लगाने को मजबूर है। दरअसल नशीर अहमद की शहादत के बाद उनके 2 बच्चों को उनके भाई सिराज ने अपने पास रख लिया था, जिसके बाद से नशीर अहमद की पत्नी कोर्ट के जरिए अपने बच्चों की कस्टडी पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक मामले में कोई फैसला ना आने से वो बच्चों के साथ रहने से महरूम है। वहीं गांदरबल के शुहामा में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान छेड़ दिया है, जिसकी वजह से जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कचहरी इलाके में आज डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। PRCN में जम्मू कश्मीर के टीचर सुखदेव चंद ने गोल्ड मेडल जीता है। सुखदेव चंद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सोशल स्टडी के टीचर हैं, साथ ही वो NCC ऑफिसर भी हैं, जिसके तहत ही उन्होंने PRCN में हिस्सा लेने का मौका मिला था और अब जीत हासिल की है। इस साल मुझे PRCN कोर्स करने का मौका मिला OTA कामटी में, नागपुर में, और वहाँ पर हम लोग यहाँ से J&K से 6 बंदे गए थे। टोटल 18 डायरेक्टरेट्स थे ऑल ओवर इंडिया से और नियर अबाउट 457 कैडेट्स जो थे उन्होंने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है। और वहाँ पर जूनियर डिवीज़न में मुझे गोल्ड मेडल और DG बैटन मिली है, जो हमारी 1 फरवरी 2020 में पासिंग आउट परेड हुई थी। कंप्लीट आर्मी टाइप ट्रेनिंग होती है, उसमें ड्रिल है, उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग होती है, एकेडमिक्स होता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें, उन सब में क्लियर करना पड़ता है इस चीज़ का। जम्मू में लिटिल स्टार नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने दिव्यांग बच्चों की हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मकसद दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करना था। जो इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित है अपना कि ये जो NGO है, ये इनका ये काम कर रही है, हर साल कोशिश करती हैं कि उन बच्चों को जो डिसेबल्ड हैं, जो माजूर हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ हम सबको इनका साथ देना चाहिए और इनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास बड़ी रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ हैं डिसेबल्ड को लेकर। कुछ चीज़ें हमारी, मेरी एक बहन बोल रही थी कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम एक्सक्लूसिवली इनके लिए फ़ाइट करेंगे और इंशाल्लाह इनके लिए स्पेशल इंटरव्यूज़ करेंगे ताकि इनकी आवाज़ जो है मरकज़ी सरकार तक और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचे। समाज में स्पेशली एबल बच्चों के लिए इस तरह से आज का फंक्शन मुकम्मल हुआ, काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की गई और काफ़ी कुछ देने की उम्मीद भी की जाती है।
हमारे साथ डॉक्टर आशाई मौजूद हैं और वागनू साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ऑल द वे मुंबई से यहाँ आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई की जम्मू के इस फंक्शन में, क्या कुछ और किया जा सकता है इनके लिए? पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मीडिया को जो हम लोग को हेल्प कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और बेसिकली नज़रिया यही है कि इन बच्चों को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना है, और जो इनमें खासियतें हैं, इसलिए मैंने मंजूर साहब को भी यहाँ दावत दी। इससे पहले मुश्ताक साहब चाहे जो अपने होटल के होटल्स के यहाँ ओनर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन लोग अपने अपने रिज्यूमीज दे दें, और उन रिज्यूमे के थ्रू अगर उनका एचआर उनको लगता है कि नहीं ये बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं, जो हमने देखा है बॉम्बे में कि ये बच्चे बाकी लोगों से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए और जो भी उनका पे स्केल है उस पे स्केल में इनको जॉब दिया जाए ताकि ये इंडिपेंडेंट हो जाए। मैंने पहले ही नियत की थी कि हम दो बच्चों को पहले अडॉप्ट करेंगे अपने स्कूल में, तो वो तो गारंटेड है, और फिर कुछ व्हील चेयर्स भी करेंगे। और मैं अपने दोस्तों से एक मैं कोशिश, जो इस बच्ची ने अभी कहा जिसने मुझे बहुत इमोशनल किया कि लास्ट ईयर भी नहीं हुआ एक इनके वैन के लिए, वो मैं कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूँगा। उड़ना चाहती थी बचपन से, ऊपर वाले ने पंख काट दिए, कटे थे पर लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी, ना थी उठने की ताकत ना थी टांगों में जान, पर कुछ करने की उम्मीद अभी बाकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो चीज़ें इन्होंने कही जो आज फंक्शन हुई इसमें बताया गया कि इन चीज़ों को पूरा किया जाएगा। इस तरह के प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कि बच्चे बड़ी तादाद में शामिल हुए थे और बच्चे अभी यहाँ इस हॉल से बाहर आए, लेकिन मैसेज यही था कि ऐसे बच्चों का हमने और ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इमरान तारिक के साथ जमुल इस्लाम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जम्मू। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहाली को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दरअसल बताते हैं कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले दिव्यांग बच्चों और चीफ गेस्ट से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। समाज में स्पेशली एबल बच्चों के लिए इस तरह से आज का फंक्शन मुकम्मल हुआ, काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की गई और काफ़ी कुछ देने की उम्मीद भी की जाती है। हमारे साथ डॉक्टर आशाई मौजूद हैं और वागनू साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ऑल द वे मुंबई से यहाँ आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई की जम्मू के इस फंक्शन में, क्या कुछ और किया जा सकता है इनके लिए? पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मीडिया को जो हम लोग को हेल्प कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और बेसिकली नज़रिया यही है कि इन बच्चों को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना है, और जो इनमें खासियतें हैं, इसलिए मैंने मंजूर साहब को भी यहाँ दावत दी। इससे पहले मुश्ताक साहब चाहे जो अपने होटल के होटल्स के यहाँ ओनर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन लोग अपने अपने रिज्यूमीज दे दें, और उन रिज्यूमे के थ्रू अगर उनका एचआर उनको लगता है कि नहीं ये बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं, जो हमने देखा है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए प्रशासन की जोर आजमाई जारी है, और इसी सिलसिले में एलजी के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने आज गांधीनगर और आरएसपुरा के सरकारी अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान राजीव राय भटनागर ने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का हाल जाना और मौके पर दवाओं की उपलब्धता की भी जाँच की गई। मेडिकल सर्विसेज हैं यहाँ पर, अभी जम्मू सिटी में भी गांधीनगर हॉस्पिटल को देखा था, और यहाँ आरएसपुरा में भी जो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको देखा है। यहाँ पर अभी नई बिल्डिंग बन गई है, लेकिन अभी उसमें कई व्यवस्थाएं हैं जो कि अभी पूर्ण होनी है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ओपीडी अभी पुराने बिल्डिंग में चल रहा है, जो कि जिसकी जो है स्थिति ख़राब है, इसीलिए नई बिल्डिंग बनाई गई है। और यहाँ पर जो आवश्यकताएं हैं लोगों की, कुछ लोगों ने बताया कि स्पेशलिस्ट की कमी है। श्रीनगर में जेएनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी का आरोप है कि साल 2014 से इस ठेकेदारों की राशि बकाया है और प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया नहीं जा रहा। आपको बता दें कि ठेकेदारों के मुताबिक उनका प्रशासन पर करीब 1000 करोड़ रुपए की राशि का बकाया है। चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से मिले, तमाम जो कंसर्न इनके इदारों के कमिश्नर साहिबान हैं उनसे तो हम मिले, लेकिन हम एक साल से उनसे मिल रहे हैं, लेकिन उनका अभी मुझे लगता है कि एक साल हो गया कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया, लेकिन काम अभी कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हुआ।
रामबन के गोल में सड़कों की बदहाली से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में या तो सड़क नहीं है और अगर कहीं सड़क है तो उसकी हालत बेहद खराब है, जिसके चलते आए दिन लोगों को खासी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। कहें हम अपने इस यहाँ के इलाके की सितम जरीफी ये है कि ये 11 किलोमीटर रोड जो जमन गागरा रोड है, ये पिछले 14 सालों से कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि खुदाई के बाद इसको दोबारा यहाँ की ड्रेनेज का कोई इंतजाम नहीं किया गया, इसको दोबारा मैगडम नहीं किया गया, कोई हालत नहीं है इसकी। और अब तो ये है कि हमने लोगों ने एक फैसला कर लिया कि इस सड़क को हम धान के खेतों में बना करके तब्दील कर दें, ताकि यहाँ से डंगरों के जानवरों के चलने का रास्ता तक भी मयसर ना हो। ये कहाँ ढूंढे, किस इंतजामिया को ढूंढे। बर्फबारी के बाद घाटी में सर्दी का सितम जारी है, जिसको लेकर पर्यटक उत्साहित है तो वहीं आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। अगर बात गुलमर्ग और तंगमर्ग की करें तो वहां तो हालात और भी ज्यादा खराब है। दोनों जगहों पर न्यूनतम तापमान -7 डिग्री तक पहुंच चुका है। बर्फ में तो और भी बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर यहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। और आप समर्स में भी आइए, विंटर्स में भी आइए, इट्स बहुत ही प्रिटी, बहुत ही अच्छा है यहाँ।